गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। इस बार का चुनाव और भी रोचक होने वाला है। कारण, इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। इस कड़ी में शनिवार को राज्य के नवसारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को काले झंडे दिखाए गए हैं। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 27 साल तक गुजरात में शासन किया, लेकिन उनके पास एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का पूरा कैंपेन आम आदमी पार्टी को गाली देने पर केंद्रित है। इनके नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल को गालियां देते हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पार्टी के सीएम फेस को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब पंजाब के चुनाव हुए थे तब हमने जनता से पूछा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। जनता ने भारी बहुमत से भगवंत मान का नाम लिया था। अब इसी तर्ज पर हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम जनता की राय जानना चाहते हैं। इसके लिए केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग 6357000360 पर SMS भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह नंबर 3 नवंबर की शाम 5 बजे तक चालू रहेगा। 4 नवंबर को हम जनता के सामने इसके नतीजे रखेंगे। 4 नवंबर को ही आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेगी। लोगों की राय जानने के लिए ईमेल आईडी भी जारी कर रहे हैं।